कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। उनकी पत्नी स्मृति ने ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया। सम्मान समारोह के बाद उन्होंने बताया कि कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई और 8 सालों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी रचाई। ऐसे में चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैप्टन अंशुमन सिंह थे कौन और आखिर उनकी लव स्टोरी क्या है। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 7 जवानों के मरणोपरांत सम्मान दिया। इस दौरान कैप्टन अंशुमन सिंह को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने के लिए कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति समारोह में शामिल हुई। सम्मान समारोह के दौरान स्मृति काफी भावुक दिखी। पति के खोने के गम का दुख को अपनी आंसुओं में समेट कर उन्होंने राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र प्राप्त किया। आंखें नम कर देने वाली सम्मान समारोह की ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि कैप्टन अंशुमन सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया के लार थाना इलाके के बरडीह दलपत के रहने वाले थे। सम्मान समारोह के बाद स्मृति ने अपने पति के साथ बिताए गए पलों को शेयर किया। स्मृति और कैप्टन की लव स्टोरी के बारे में कहा जाए तो जब वो दोनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी मुलाकात हुई। उन दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया था। वो लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग थी। 1 महीने के बाद उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए सेलेक्ट हो गए थे कैप्टन। वहीं उन दोनों की मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के लिए सेलेक्ट हो गए। कैप्टन की बात की जाए तो वास्तव में वो काफी बुद्धिमान इंसान थे। 1 महीने की मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच 8 सालों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चली, जिसके बाद उन दोनों ने शादी रचाई। शादी के 2 महीने बाद ही उनकी सियाचिन में पोस्टिंग हो गई। 7 और 8 घंटों तक तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये बात सच है, लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि जब उनके हाथ में कीर्ति चक्र है तो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो उनके लिए हीरो थे। उन्होंने दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। फिलहाल अंशुमन सिंह का परिवार लखनऊ के पारा मोहान रोड पर रहता है। सृष्टि सिंह पेशे से इंजीनियर हैं और नोएडा की MNC में काम करती हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह भारतीय सेना में GCO रह चुके हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह पिछले साल जुलाई महीने में सियाचिन ग्लेशियर में 26 मद्रास से अटैचमेंट पर 26 पंजाब बटालियन के 403 फील्ड में हॉस्पिटल में रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर पद पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 यानी बुधवार की तड़के 3:30 बजे सेना के गोला बारूद बंकर में शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग गई। कई जवान बंकर में फंस गए। जवानों को बचाने के लिए अंशुमन सिंह बंकर में दाखिल हुई। उन्होंने 3 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी दौरान वो गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद सभी जवानों को एयरलिफ्ट करते हुए चंडीगढ़ लाया गया, जहाँ कैप्टन अंशुमन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।